हेलो लवली चिल्ड्रन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं और सारी जो प्रिकॉशंस हैं वो ले रहे हैं और साथ ही साथ अपनी स्टडीज का भी बहुत ध्यान रख रहे हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू वर्कशीट नंबर 16, दैट इज ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास 6, एंड दिस इज फॉर 18th November 2020. इफ यू कुड रिमेम्बर, इन द लास्ट वर्कशीट वी डिड जेंडर अंडर नाउन्स. नाउन्स में हमने जेंडर चेंज किया था, और जैसे कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन. और आज हम करने वाले हैं उसी के अंडर नंबर, और ये आपने पहले काफी बार अपने प्रीवियस क्लासेस में किया भी है. सो फर्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द एक्टिविटी पार्ट. यहां पर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है और इसमें बताया गया है नेम द बॉडी पार्ट्स विच आर वन इन नंबर. जो अपने बॉडी पार्ट्स जो कि सिर्फ सिंगल है, वन है आपकी बॉडी में, उसके जैसा कोई और दूसरा सिमिलर पार्ट नहीं है, एक है सिर्फ, सिंगल पार्ट है वो. जैसे नोज, आपकी कितनी नोज है, हाथ लगा के देखिए. Yes, you have one nose. तो जल्दी से फटाफट से सोच के मुझे बताइए कि ऐसे और कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जो आपके सिंगल बॉडी पार्ट हैं. अब क्या चीक्स आपके एक हैं? नो, दो हैं चीक्स, तो इसको तो लिख नहीं सकते. तो चिन कितनी है आपके पास में? चिन एक है. तो ऐसे ही आपको और बॉडी पार्ट्स बताने हैं जो कि सिंगल हैं, वन इन नंबर. ऑल राइट, सो यहां पर वो सारे बॉडी पार्ट्स आपको लिख देने हैं जो अभी अभी हमने डिस्कस किए हैं. नाउ इन द सेकेंड एक्टिविटी आपको बताना है हाउ मेनी फिंगर्स डू यू हैव. जल्दी से अपने हाथों की सारी उंगलियां बाहर निकाल लो और जल्दी से मुझे काउंट करके दिखाओ. यस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. वी हैव 10 फिंगर्स. हाउ मेनी फिंगर्स इन वन हैंड? 5 फिंगर्स इन वन हैंड एंड 10 फिंगर्स इन टू हैंड्स. ज्यादातर लोग इसे, जो हमारा थंब है, उसको भी फिंगर की तरह नहीं मानते हैं, सोचते हैं कि चार फिंगर हैं और एक अंगूठा है. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फिंगर्स, वो ही फिंगर है. तो इसलिए टोटल मिला के कितनी फिंगर्स हो गई हमारी? वी हैव 10 फिंगर्स. कितनी हो गई? 10 फिंगर्स. नाउ हाउ मेनी टोज डू यू हैव? कितने टोज हैं आपके? टोज का मतलब होता है बच्चों पंजा. तो एक पैर में पंजा यानी कि 5 उसकी डिजिट्स हैं. तो जल्दी से काउंट करके दिखाओ. देखो पैर में अपने, देखो 1, 2, 3, 4, 5. जनरली लोगों के 5 होते हैं डिजिट्स, 5 जो टोज हैं वो होते हैं एक पैर में. तो दो पैर में कितने हो गए? बिल्कुल सही, उतने ही हो गए जितने यहां पर लिखे हैं. सो वी हैव 10 फिंगर्स एंड 10 टोज. अब टोज में बच्चों लोग जो हैं, जो पैर का अंगूठा होता है, कई बच्चे सिर्फ उसी को टोज समझते हैं, ऐसा नहीं है. एक पैर में पंजा यानी कि 5 जो है वो डिजिट्स, या जिसे आप पैर की उंगलियां कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में टोज कहते हैं, वो हमारे होते हैं. ऑलराइट, सो आई होप यू गॉट इट. आपको आज का जो ये हमारी एक्टिविटी है वो अच्छे से समझ में आ गई है. इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई गेम है, कोई और एक्टिविटी है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आप चाहें तो फिंगर्स से, देखिए इस तरह से अपने फिंगर्स को डेकोरेट करके कुछ फिगर्स इसके ऊपर बना के आप खेल भी सकते हैं. चलिए अब हम आगे चलते हैं. या पहले देख लें कि लिखेंगे कैसे. चलिए एक बार कर देते हैं जादू और देखते हैं कैसे लिखेंगे इसका आंसर. सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू राइट द आंसर. आई हैव गिवन सम ऑफ द एग्जांपल्स हियर. जैसे कि बॉडी पार्ट्स मैंने जो बताए थे विच आर वन इन नंबर, तो मैंने लिखा है यहाँ पे हेड है, फेस है, फेस भी एक ही आपका, माउथ है, मुंह एक होता है, चिन मैंने बताया था आपको, थ्रोट है, गला आपका, नेक है आपकी गर्दन, फोरहेड, चेस्ट, स्टमक, इसके अलावा नेवल, और इसके अलावा और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं. ऑलराइट, सो यहां पर कुछ एग्जांपल दिए हैं, आपको और याद आते हैं यू कैन एड ऑन. उसके बाद आई हैव टोल्ड यू आई हैव 10 फिंगर्स, आई हैव 10 टोज. कोई ऐसा भी बच्चा हो सकता है जिसके एक हाथ में 6 फिंगर्स हो, तो वो अकॉर्डिंगली अपने चेंज कर सकता है, है ना. किसी किसी बच्चे की 6 टोज या 6 फिंगर्स भी हो सकते हैं, सो यू कैन राइट अकॉर्डिंगली. ऑलराइट,
अब आ जाते हैं आगे हमें क्या समझाया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर है हमें सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स। सिंगुलर नाउन्स आर नाउन्स दैट नेम वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन तो आपको पता ही है, पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, एनिमल या थिंग का नेम है। अब जो उसमें अगर हमने सिंगुलर कर लिया तो एक सिंगल पर्सन का, जो सिंगल वन इन नंबर होगा तो हम उसे कहेंगे सिंगुलर नाउन, ठीक है। और अगर ज्यादा होती है, एक से ज्यादा है, मोर देन वन है, तो वो हो जाता है प्लूरल नाउन। सो प्लूरल नाउन्स आर नाउन्स दैट नेम मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ठीक है। जैसे वन इज बिस्किट एंड मोर देन वन इज कॉल्ड बिस्किट्स। वन इज कैट, मोर देन वन कैट्स, ठीक है। तो कैट हो गई सिंगुलर नाउन और कैट्स हो गया प्लूरल नाउन। ऑलराइट, जनरली जो होता है, इसके बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको रूल्स धीरे धीरे पता चलते जाएंगे। जो बहुत ही ज्यादा कॉमन रूल है किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने का, वो है कि हम उसमें एस एड कर देते हैं, जैसे कि कैट कैट्स, डॉग डॉग्स, क्लोथ क्लोथ्स में तो ई एस आ जाता है, लेसन लेसन्स, है ना। इस तरह से और भी बहुत सारे नाउन्स हैं जिसमें हम एस ऐड करके और उसका हम प्लूरल बना देते हैं। दिस इज वन ऑफ द रूल्स। आप अपने रूल्स जो है याद करते चलिए, धीरे धीरे आपको और अच्छे से इनके बारे में समझ आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन हर बर्थडे रजनी गॉट मेनी बर्थडे प्रेजेंट्स, लेट्स सी व्हाट शी गॉट। ओ माय गॉड, ये तो मेरे ही बर्थडे के बारे में बात हो रही है, मुझे क्या क्या मिला है। तो चलो देखें कि मुझे बर्थडे पर क्या क्या मिला है। ये है, चलो इनको बताओ जल्दी से मुझे, ये क्या है। दीज आर चॉकलेट्स, यमी यमी चॉकलेट्स। दीज आर वॉचेस, ये क्या है। ये बसेस हैं, यहाँ पर आपको दिया है कि ये टॉय बसेस हैं, खेलने वाली जो बच्चों की टॉय बसेस होती हैं वो हैं। और ये हैं मेकअप करने वाले ब्रशेस, ठीक है। तो अब जल्दी से मुझे काउंट करके बताओ कि चॉकलेट्स कितनी हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर थ्री थ्री के फाइव कॉलम्स बने हुए हैं और तीन रोज हैं पांच पांच की, तो थ्री फाइव इज 15, तो यहां पर आ जाएगा 15 चॉकलेट्स। देन वी हैव वॉचेस, कितनी वॉचेस हैं, वन एंड टू वॉचेस, टी डब्ल्यू ओ टू आप यहां लिख देंगे। देन वी हैव ब्रशेस, वन टू थ्री फोर ब्रशेस। देन वी हैव बसेस, वी हैव टू नंबर नेम लिखने हैं, कोई भी बच्चा मैथ्स वाले नंबर्स नहीं लिखेगा। ऑलराइट, नाउ कैसे लिखेंगे जल्दी से देख लेते हैं। So 15 chocolates, 2 watches, 4 brushes and 2 buses. आप देख रहे हैं ये प्लूरल हो गया है, एक से ज्यादा हो गया है, तो इसमें क्या ऐड किया है, ध्यान दीजिए, चॉकोलेट होता है उसमें एस ऐड करके उसको प्लूरल बनाया है, वॉच होता है, एक वॉच होती है, ज्यादा वॉचेस होती है, तो इसमें ई एस ऐड किया है, एक ब्रश होता है, प्लूरल करने के लिए क्या ऐड किया है, ई एस वर्ड ऐड, ई एस लेटर जो है दो ऐड किए हैं। देन इज एक बस होती है, वन इज बस एंड मोर देन वन आर कॉल्ड बसेस, है ना, ई एस ऐड किया है। सो यहां पर वही आपको दिया हुआ है, वी ऐड ई एस नाउन्स एंडिंग इन एस, एस एच, एक्स एंड सी एच। जैसे वन इज चर्च, मोर देन वन आर कॉल्ड चर्चेस, है ना। तो ई एस पहला हमने रूल किया था एस का, एस ऐड करने से नाउन्स हम बना सकते हैं प्लूरल, और दूसरा हमने अभी अभी सीखा है ई एस ऐड करने से भी हम क्या बना सकते हैं, प्लूरल्स बना सकते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन। सो नाउ वी हैव रीच्ड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वर्कशीट। इसमें क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, राजन वेंट फॉर शॉपिंग, राजन शॉपिंग के लिए गया, लेट्स री राइट हिज शॉपिंग लिस्ट बाय राइटिंग द प्लूरल फॉर्म्स। यहां पर जो है प्लूरल फॉर्म्स नहीं है, ये कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक है, समझ लीजिए कि उसके प्लूरल फॉर्म करेक्ट करके आपने उसको लिखना है। ऑलराइट, जैसे यहां पर एग्जांपल के लिए दिया हुआ है, टू किलो ऑफ पोटैटो, तो क्या होना चाहिए, एक्चुअली दो जो है ज्यादा हो गए, तो टू किलोज ऑफ पोटैटोज, ठीक है, तो टू किलोज ऑफ पोटैटोज। जल्दी से इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे एक बार। सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू अटेम्प्ट दिस वन क्वेश्चन। ऑलराइट, देन इज टू बंच ऑफ बनाना, बंच होता है गुच्छा, ठीक है, तो बनाना के दो बंच हैं, तो यानी कि
दो गुच्छे हो गई, ठीक है। और बनानास भी ज्यादा हैं। जब ये बेटा ऑफ आता है ना बीच में, अगर ऑफ बीच में आ रहा है तो जो ये वाला नाउन है और ये वाला नाउन है, ये दोनों ही नाउन्स को हमें प्लूरल करना होता है अगर यहां पर नंबर हमारे पास प्लूरल है तो। अगर यहां पर सिंगुलर होता तो हम क्या करते, अ बंच ऑफ बनाना, बनानास, है ना, अ बंच आता, एक बंच है। लेकिन क्योंकि अब ज्यादा बंच है, एक से ज्यादा है, तो टू बंचेस ऑफ बनानास। देन सेवन पेन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सेवन पेन्स हो जाएगा, तो एस लगा के हम उसे प्लूरल बना देंगे। देन इज थ्री किलो ऑफ ऑरेंज, ठीक है ना, तीन किलो ऑरेंज, तो तीन तो ज्यादा हो जाता है, देन इट विल बी थ्री किलोज ऑफ ऑरेंजेस। ऑफ मैंने आपको बताया जब ऑफ होगा, और यहां पर प्लूरल नाउन है, ठीक है, तो यहां पर भी और इधर भी दोनों तरफ प्लूरल आएगा। देन इज थ्री बॉक्स ऑफ मैंगो, तो क्या हो जाएगा, थ्री बॉक्सेस ऑफ मैंगोज, इसमें हम सिर्फ ई एस लगा के उसको प्लूरल बना देंगे। देन इज फाइव पैकेट ऑफ चिप, चिप नहीं होगा, है ना, ज्यादा हो गए हैं तो क्या हो जाएगा, फाइव भी ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो पैकेट्स और यहां पर चिप्स हो जाएगा। देन इज सिक्स पैकेट इरेजर, अब इसमें ऑफ नहीं है, यहां पर ऐसे केस में हम क्या करते हैं, यहां पे जो लास्ट वाला नाउन होता है, क्योंकि ये सिक्स पैकेट है, सिक्स पैकेट, सिक्स प्लूरल हो गया, ऑफ नहीं लगा हुआ है, तो बीच में आएगा, इसका जो आप चेंज करेंगे वो हो जाएगा सिक्स पैकेट इरेजर्स। ऑलराइट, देन इज फोर टॉफी, तो होना चाहिए फोर टॉफीज। ऑलराइट, सो आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहां पर आपके लिए एक मैसेज है जो आप बहुत अच्छे से, जिसका रूटीन से फॉलो कर रहे हैं, जिसको कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ सिक्स फीट और टू यार्ड्स, आप उसमें जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसे मेंटेन करके रखिए, अच्छे से मास्क पहनिए, हैंड वॉश अच्छे से करिए, और सारी अपनी प्रिकॉशंस लीजिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग।